प्रधानमंत्री जनधन योजना के 6 साल हुए पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर योजना को बताया गेम चेंजर। कहा गरीबी उन्मूलन प्रयासों का आधार है योजना, करोड़ों लोगों को मिल रहा है लाभ। भारी बारिश के चलते ओडिशा में बाढ़ के हालात, जम्मू में कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में मध्य और उत्तर भारत में भारी बारिश का जताया अनुमान। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग और मजबूत। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा बीते 5 महीनों में 3/4 से अधिक मरीज हुए हैं स्वस्थ। अब तक कुल 25,83,000 से अधिक ने की रिकवरी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पुनः नामांकन औपचारिक रूप से किया स्वीकार। नवंबर में होने वाले चुनाव के लिए अभियान किया शुरू, हालांकि ओपिनियन पोल में बिडेन से पिछले। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। गरीबों के वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना को आज 6 साल पूरे हो गए हैं। इसके तहत अब तक 40,35,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत खोले गए कुल खातों में से 63.6% ग्रामीण इलाकों में खोले गए हैं, वहीं 55.2% खाताधारक महिलाएं हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की बदौलत कई परिवारों का भविष्य सुरक्षित हो गया है। ज्यादातर लाभार्थी ग्रामीण इलाकों से हैं और महिलाएं हैं। मैं उन सभी की भी सराहना करता हूं जिन्होंने PMJDY को सफल बनाने के लिए अथक प्रयास किया है। तो प्रधानमंत्री ने इस योजना के लोगों से जुड़े लोगों को बधाई दी है और ज़्यादातर ग्रामीण जो लाभार्थी हैं उनके विषय में कहा है। इस योजना के तहत स्कूल खोले गए हैं, इसके तहत 55% से अधिक खाताधारक महिलाएं हैं। एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है महिला। इसके तहत 63% से अधिक खाताधारक ग्रामीण क्षेत्र में है। वंचितों को बैंकिंग सुविधा, असुरक्षितों को सुरक्षा, ज़रूरतमंदों को मदद, इसके तहत तमाम सारे लाभ के काम किए गए हैं। स्कूल खोले गए हैं और लोगों के जीवन में एक सार्थक बदलाव आया है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो निश्चित तौर पर यह एक गेम चेंजर साबित हुई है। गरीबों के वित्तीय समावेशन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसको पहले कार्यकाल में उन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2014 में। और इस महत्वाकांक्षी योजना को, प्रधानमंत्री जनधन योजना को, आज 6 साल पूरे हो गए हैं और अब तक इसके तहत 40,35,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। ऐसे समय में इसका महत्व समझा जा सकता है जब देश के तमाम ऐसे लोग थे जिनके पास बैंक खाता नहीं था। इसके जरिए तमाम जो योजनाएं थी वो उन तक उनकी सीधी पहुंच नहीं थी। अब सीधे उनके खाते तक जो भी सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं जनधन योजना के तहत उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाती हैं और इससे जो पारदर्शिता है वो सुनिश्चित हुई है। हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, कितना बड़ा गेम चेंजर इसको मानते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा है कि 6 वर्ष हो गए हैं और तमाम इससे जुड़े हुए लोगों को बधाई दी है। देखिए, आपको याद होगा कि 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी जनधन योजना की। उस वक्त किसी को भी ये भरोसा नहीं था कि ऐसा हो पाएगा कि देश के हर परिवार में एक बैंक का खाता हो, और सभी लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे थे। लेकिन ये पहला मिशन मोड में चलाया गया प्रोग्राम था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कि जब 18 अगस्त को इसकी लॉन्चिंग की गई
उसके बाद पहले ही साल में, यानी अगर हम अगस्त 2015 की बात करें, 2014 में शुरू हुई, 2015 की बात करें, तो एक साल में 17 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते खोले गए और सार्वजनिक बैंकों ने। और आपको सीधे लिए चलेंगे, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपना गोल्डन जुबली समारोह को मना रहा है और इस मौके पर जो जी किशन रेड्डी माननीय मंत्री वो संबोधन दे रहे हैं। पोस्टल श्री प्रदीप्ता कुमार जी, पीपीआरएनडी के डायरेक्टर जनरल महानिर्देशक श्री वीएस के कौमुदी जी, स्पेशल सेक्रेटरी श्रीवास्तव जी, एडिशनल सेक्रेटरी पुलिस महानिदेशक श्री विवेक जी, जॉइंट सेक्रेटरी श्रीमती पुनिया जी, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों, बीपीआरएनडी के सभी परिवार सदस्य, बीपीआरएनडी के 50वें गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस और स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की ओर से, मेरे ओर से, सारे होम डिपार्टमेंट की ओर से, आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। पीपीआरएनडी के स्थापना 1970 में, 1970 में एक बड़े लक्ष्य के साथ हुई थी। लक्ष्य था पुलिसिंग से जुड़े हुए चुनौतियों से संबंधित रिसर्च को बढ़ावा देना, अपना कर्तव्य का पालन करते हुए पिछले 50 वर्षों में बीपीआरएनडी ने देश की सिक्योरिटी, लैंड ऑर्डर मैनेजमेंट और पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। आज देश और दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। देश के लैंड ऑर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के को भी उसी तेजी से आगे बढ़ाने का जरूरत है। यह जरूरत बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पूरे नहीं हो सकती है। देश की सुरक्षा के लिए नई सोच और उभरती टेक्निकों को जल्दी से जल्दी अपनाना और पुलिस फोर्स को सक्षम बनाना न्यू इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत बड़ा पहल है। क्राइम को रोकना और सभी सबूतों को जांच अच्छे से करना पुलिस की पहली जिम्मेदारी है। इन्वेस्टिगेशन एक मल्टी डायमेंशनल और एक मल्टी डिसिप्लिनरी चैलेंज है, चाहे वो क्राइम करने का मोडस ऑपरेंडी हो, क्रिमिनल की साइकोलॉजिकल स्टेट हो, या फिर पिछले एक्सपीरियंसेस और केस स्टडीज की सूची हो, इन सभी डायमेंशन पर एक साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा क्राइम को सुलझाना के लिए उसको रोकथाम से बड़ी मदद की जा सकती है। मुझे खुशी है कि बीपीआरएनडी ने एक मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो की स्थापना की जो इस विषय पर रिसर्च को आगे बढ़ाएगा। इंटेलिजेंस गैदरिंग पुलिस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। हम आपसे वुमेन इंटेलिजेंस सिस्टम को और भी ऑर्गेनाइज्ड करने के जरूरत है। इससे साथ साथ हम इसमें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करना चाहिए, पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बेस्ट सिस्टम तथा कम्युनिटी पुलिसिंग को भी अधिक मजबूत प्रदान करने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग के मामले में कोई समझौता ना करते हुए हमें यह सुनिश्चित करना है चाहिए सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को लेटेस्ट मेथड और टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस मॉडरेशन स्कीम के अंतर्गत इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई
पांच वर्षों में ब्यूरो ने 55,000 से अधिक 55,000 से ज्यादा अधिक पुलिस अधिकारियों को और कर्मचारियों को बढ़िया ट्रेनिंग दिया है। साथ ही सार्क व अन्य मित्र देशों के 3,000 से अधिक विदेश के पुलिस अधिकारियों को भी बीपीआरएनडी में ट्रेनिंग किया गया है। बीपीआरएनडी का एक और खास कार्य अपने पांच सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तथा सेंट्रल, तो आप देख रहे थे अभी ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 50वें स्थापना दिवस पर गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी अपना संबोधन दे रहे थे। और अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं टेरी से जुड़े एक कार्यक्रम 19वें दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना संबोधन दे रहे हैं। Also only appropriate that the lecture in his honor is being delivered by none other than Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations. Now, someone of my generation will readily recall Darbari Seth as a leading figure of what is the most prominent Indian business group, one closely associated with the growth of our national industrial capacities. Much of this story has actually been captured in a book. Many of you may be familiar with it, which is very appropriately called The Salt of the Earth. Obviously, such a rich and productive career that spanned over half a century can hardly be summarized in a few words. But if one looks back at Darbari Seth's celebrated achievements in Tata Chemicals, there are many learnings that are relevant today. For decades, he oversaw the creation of a sector that directly influenced the needs of the rural economy and also met the demands of the general consumer. And while doing so, he was extremely conscious of the larger societal context. Indeed, it was actually the energy and the environment aspect of that interest that propelled him to establish TERI in 1974. And today, as we revisit the intersection of policymaking, entrepreneurship, and social good in our quest for economic revival, Darbari Seth is an obvious inspiration. But there are other, perhaps even more important lessons that we can draw from his life and times. Among the early challenges that he successfully overcame was a drought in 1962 that threatened to shut down the Mithapur township where Tata Chemicals was located. His innovative water conservation and substitution techniques actually established a reputation that only grew with time. A decade and a half later, a combination of ecological concerns, industrial efficiency, and actually a preventive healthcare campaign on goiter helped to give birth to Tata Salt there. Darbari Seth is rightly credited with leading a science-driven Indian manufacturing company of scale and repute. But his life is much more than that. It is one of community achievement, of national service, and of global ambition. And he achieved that by harmonizing entrepreneurship and innovation with environment and social good. Now, this interplay of the local, the national, and the global, which permeates his life, that remains very much at the center of many public policy challenges today. In fact, getting the balance right among them is perhaps the big debate of our times. Let's start with the importance of the local. Whether it is a problem or a resource, a situation or a culture, much of reality is actually local, or certainly should be. That ability to remain rooted to the ground is actually more than physical, it is a mindset. It can arise from instinct, be developed through education, and finally be validated by experience. Applying to more than business or technology, it transcends the material domain. And immersion in the local is actually identity and culture as well. I stress this at a moment in the world where there are serious conversations underway
on globalization. Any objective assessment of that phenomenon would highlight that the world has been ill-served by a one-size-fits-all approach. Whether it is condescending prescriptions from afar or mass produce that overwhelms local creativity, they infringe the very diversity that defines us all. Today, we see a growing recognition of the value and importance of the local. It may be in handlooms and handicrafts, in arts and cuisine, or in livelihood and commerce. Being vocal for local is, in fact, a message that has a resonance much bigger than most of us imagine. And it is truly only local thinking that will strive to ensure that the benefits of governance and development reach the very last person. Now, while local may be the ground reality, the nation remains the building block of the contemporary world. Among them, India is exceptional as one of the civilizational societies that has spanned the ages. Although tested by empires, ideology, and faith, the nation has proved an extraordinarily durable concept. It is today our most dominant identity, and we accordingly assess our collective prospects in that light. To advance those, the focus is increasingly on our ability to improve human development indices and enhance comprehensive national power. Achieving this agenda effectively is best done through the Sustainable Development Goals, which is the obvious pathway. And the national campaigns that we have undertaken recently, whether it is Jan Dhan Yojana or Jal Jeevan Mission, Ayushman Bharat or Beti Padhao Beti Bachao, Swachh Bharat Mission or Skill India, Digital India or Startup India, they're all aimed to do just that. Now, strengthening our skill sets and creating a better enabling environment are obviously the basis for a larger national capacity. And that is precisely what is the goal of Atmanirbhar Bharat campaign. We need to be more self-generating and self-sustaining, drawing on greater national confidence and stronger societal commitment. Like the rest of the world, India too has been severely tested by the COVID-19 pandemic. But there is confidence in our ability to transform the challenge into opportunity. Need to be promotional of rapid growth and greater manufacturing, our external ones too must ensure in parallel a level playing field for our own producers. In approaching the world, it is obviously important to emphasize that India remains global in its outlook, even more so now after the pandemic. This has been demonstrated repeatedly, whether it is in our medical assistance to 150 nations or humanitarian relief to those societies in distress. The most recent example was a consignment we sent to Beirut. The current times, however, do provide an occasion to review the nature and terms of our external engagement. Economically, arrangements based on the template of others have naturally not worked in our favor. Thinking through the challenges we face on the basis of our own interests is therefore very much the essence of Atmanirbharta. Livelihood and innovation should never be sacrificed at the altar of political fashion or commercial convenience.
तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण टेरी से जुड़े कार्यक्रम में 19वें दरबारी सेठ मेमोरियल लेक्चर में विदेश मंत्री एस जयशंकर अपना संबोधन दे रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर दरबारी सेठ के जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो आज का समय है और आज की जो परिस्थितियां हैं, ऐसे में जो दरबारी सेठ का जो व्यापारिक कौशल था, जो उनकी अर्थ जगत में उनकी भूमिका थी, वो आज बिल्कुल प्रासंगिक है और उसके जरिए चल करके जो आज की योजनाएँ हैं, चाहे वो जनधन योजना हो या जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कवायद की जा रही है, उसमें दरबारी सेठ की जो नीतियां थी, जो उनकी दृष्टि था, जो उनका विजन था, वो आज बेहद कारगर साबित हो सकती है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार के कार्य संचालन नियम 2019 की अधिसूचना जारी कर दी गई है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी इस अधिसूचना में उन नियमों का जिक्र किया गया है जिसके जरिए केंद्र शासित प्रदेश में सरकार का संचालन हो सकेगा। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद के अधिकार और दायित्वों के साथ संचालन शासन संचालन में उपराज्यपाल के भी अधिकारों का जिक्र है। किस स्थिति में मामले को केंद्र सरकार के पास भेजना जरूरी होगा, नियमों में इस बात का भी जिक्र किया गया है। कौन से विभाग कौन से विषय को देखेंगे, नियमों में ये भी बताया गया है। ये नियम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में प्रशासन चलाने का आधार बनेंगे। और हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ बने हुए हैं। सुधाकर, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के कार्य संचालन नियम जो है उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। कितना महत्व है इसका और इसको कैसे समझा जाए, एक आम दर्शक को कैसे बताएंगे, क्या मायने हैं इसके? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और खासतौर से आपको याद होगा निखिल, 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री इस साल लाल किले की प्राचीर से जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया था। जम्मू कश्मीर में खासतौर से बीते एक साल में जो विकास यात्रा रही है और जिस तरह से ये एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर की विकास के मामले में हुई, उसकी बात करते हुए उन्होंने खासतौर पर जिक्र किया था कि जम्मू कश्मीर में जो परिसीमन का काम जो है उसके लिए काम आगे चल रहा है और सरकार और पूरा देश जो है प्रतिबद्ध है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को मजबूती मिले और परिसीमन के बाद चुनाव हो सके, तो देश पूरा इसके लिए प्रतिबद्ध है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही थी। उस आलोक में देखे तो ये जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स होते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, कोई राज्य सरकार हो या फिर यूटी गवर्नमेंट हो, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक नियमों के आधार पर किसके क्या अधिकार होंगे, किस तरह से कार्य संचालन हो सकेगा पूरे प्रशासन का, तो वो तमाम जिक्र होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद एक किस तरह से यहाँ कौन से नियम लागू हो सकेंगे, खासतौर से जब एक तरह से कह सकते हैं सरकार ने अपना इंटेंट भी जाहिर किया है कि जल्द से जल्द वहाँ जैसे ही परिसीमन का काम पूरा होता है वहाँ चुनाव हो सकेगा, विधानसभा स्थापित हो सकेगी और साथ ही साथ एक मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद का गठन हो सकेगा। लेकिन मुख्यमंत्री के क्या अधिकार होंगे, मंत्रिपरिषद के क्या अधिकार होंगे, जो अधिकारी हैं तमाम चाहे सचिव हैं उनके क्या उनका क्या रोल होगा, अगर मुख्यमंत्री उपराज्यपाल के बीच किस तरह का संबंध हो सकता है, केंद्र की क्या पूरी भूमिका रहेगी इसमें, तो इन तमाम चीजों का इसमें जिक्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इन नियमों को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही ये एक इंटेंस ये बड़ा संदेश केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है कि केंद्र जम्मू कश्मीर में जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए चुनाव जैसी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए और वहाँ स्थानीय लोग के पास ज्यादा से ज्यादा अधिकार रहे इसके लिए लगातार जो प्रयास कर रही है उसमें एक इसको बड़े कदम के रूप में जरूर देखा जा सकता है। निश्चित तौर पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के संदेश के बाद ये एक और बड़ा संदेश जम्मू कश्मीर के लिए जाएगा और हम जानते हैं खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पंचायत हो या फिर स्थानीय ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए हैं रिकॉर्ड 80-90% तक जिसमें वोटिंग हुई है, तो एक तरह से ऐतिहासिक वो जम्मू कश्मीर के लिए पूरी यात्रा रही है। तो स्थानीय स्वशासन के चुनाव की तरह ही जो विधानसभा और एक सरकार का गठन हो सके आने वाले समय में उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस कार्य संचालन नियमों की रहेगी और उसके लिए इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से
राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह ऐलान किया गया है। लेकिन जी बहुत शुक्रिया सुधाकर इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और खबर असम से, जहां बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्र की 6 सदस्यीय टीम राज्य के दौरे पर है। बुधवार से ही लगातार ये टीम 7 जिले नागांव, गोलाघाट, लखीमपुर, ऊपरी असम के माजुली और निचले असम में गोलपारा, बोनगाई गांव और बरपेटा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर है। टीम के सदस्य उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने मुलाकात की और इस पर चर्चा की। बाढ़ के कारण से हुए नुकसान का बारीकी से आकलन भी किया जा रहा है। इस टीम में जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, सड़क और यातायात, वित्त और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी शामिल हैं। राज्य में आई भीषण बाढ़ के कारण करीब 57 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 22 मई से 20 अगस्त के बीच 113 लोगों की मौत हो गई। कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन ने हर तरफ प्रभाव छोड़ा। वाराणसी में हर विधा से जुड़े लोगों ने, वो चाहे समाज सेवी हो, व्यवसायी हो, संत हो, या सभी ने अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सेवा की। अब प्रधानमंत्री ने ऐसे लोगों को पत्र लिखकर उनका आभार जताया है और प्रोत्साहित किया है। ये मेरे लिए हृदय से अभिभूत होने और प्रसन्न होने का विषय है। हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि देश की जनता पे इस समय कष्ट है, देश के ऊपर इस समय भारी परेशानी है और इसमें सबको आगे बढ़ के सेवा करनी चाहिए, तो केवल सेवाभाव मन में लेकर के हमारे पूरी संस्था के सभी सहयोगी कर्मचारी, जो कि स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के तत्वाधान में संचालित होती है, आगे बढ़ के इस सेवा कार्य में आ गया है। मुझे हृदय से प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे कार्य को प्रामाणिकता दी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद, को उन्होंने हम लोगों के कार्यों को सराहा। इसमें विशेष खास बात ये रही कि हम लोगों ने बेजुबान जानवर जो हैं, पशु पक्षी, उनका पूरा ख्याल रखा और उनके पसंद की चीज़ें उनको खिलाई। पक्षियों को बाजरे का चारा, गिलहरी और चींटियों को सूखा आटा, और मछलियों के लिए बिस्कुट का एक वेस्टेज आता है जो मछली चारे, वो हर कुंडों में जा के हम डाल के उनको खिलाए। मतलब बेजुबान जानवरों का पूरा ख्याल रखा गया। कोविड जब शुरू हुआ था उस समय बंद हो गया था, लॉकडाउन हो गया था और भुखमरी की स्थिति थी, गरीब लोग यथास्थान जहाँ जहाँ फंस गए थे, उस समय 3,500 पैकेट मैंने शुरू किया यहाँ पर रोज़ बना करके और ब्राह्मण बटकों को लगा करके बनाते थे। इसके बाद पूरे शहर में जहाँ जहाँ से फ़ोन आता था मैंने एक हेल्प नंबर जारी किया था और मैं पूरे दिन भर बंटवाता था जिससे कोई काशी में भूखा ना सोए। उस दृष्टि को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को नज़र बनाए रखे कि कहाँ पर कौन कौन सेवा कर रहा है और उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र के रूप में यह पत्र भेजा है। बहुत अच्छा लगा मुझे। सबसे बड़ी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री एक एक चीज पर ध्यान रखे हैं, नजर रखे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और देश में सरकार के प्रयासों से कोविड-19 की स्थिति में सुधार हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 से रिकवर होने की दर 76.28% हो गई है, जबकि कोविड-19 से मृत्यु दर में लगातार गिरावट जारी है जो 1.82% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 60,117 लोग स्वस्थ हो गए हैं, जिनकी कुल संख्या 25,83,948 हो गई है। रिकवरी दर बढ़ रही है, मृत्यु दर में लगातार गिरावट है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक भारत में 27 अगस्त तक टेस्ट किए गए सैंपल्स की कुल संख्या 3,94,77,848 है, जिनमें 9,01,338 सैंपल्स का टेस्ट कल किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।